हेलो फ्रेंड्स, स्वागत एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक डे टू ट्रेंड किस प्रकार से चेंज करते हुए बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है रेडमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए थे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे मतलब कि फर्स्ट नंबर पर आपको डेट टाइम दिखता है ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। एंड इस प्रकार से ऑफ करेंगे तो यहाँ से डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। अगर ये ऑन है तो आपका मतलब कि आप सेट नहीं कर पाएंगे इस प्रकार से। और इसे ऑन करने से होता है आपका ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम सेट हो जाता है। मेरा ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, देख सकते हैं। अगर ये ऑफ है इस प्रकार से तो मेरा नहीं होगा। और मतलब मेरा अगर आपको ऑन करने के बावजूद आपको ऑटोमेटिक सेट नहीं हो रहा था, सो ऑफ करके ही रखें और यहाँ से डेट एंड टाइम अपने हिसाब से सेट करेंगे। एंड यहाँ पर डेट सही है मेरा, और डेट इस प्रकार से चेंज किया जाता है, और इधर से ही मंथ चेंज किया जाता है, और इधर से ईयर। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से ओके पे क्लिक कर देंगे जब आपका सेट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ से टाइमिंग सेट करेंगे, टाइम भी एकदम राइट हो रहा है और सही हो रहा है मेरे में। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से एएम और पीएम कर सकते हैं, और जैसे हावर को आगे पीछे कर सकते हैं, और जैसे और मतलब टाइम, और ये मिनट होता है और ये हावर होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। ये घंटे का होता है, ये मिनट का होता है, और ये एएम और पीएम। सब कुछ जब सेट हो जाता है ओके पे क्लिक कर देंगे और आपका सेट हो जाएगा। और ये ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक वाला सेट हो जाता है। मेरे तो ऑटोमेटिक वाला सेट होता है, इसलिए मैं ऑन करके रखी हूँ। अगर आपका नहीं होता है तो इसे ऑफ करके और सेट करके रख दें और होम कर देंगे। और इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, तब तक ही नमस्कार।